सो so, बड़े लेवल पर प्रोसेस uh, कंट्रोल को देखने के लिए कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल स्कीम्स जो हैं वो भी डिफाइन की गई हैं सो वन ऑफ दैट कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल स्कीम इज डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम और डी सी एस सो डी सी एस के अंदर बेसिकली जो कंट्रोल एलिमेंट्स हैं उनको थ्रू आउट द सिस्टम डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है मीनस के हमारे पास कंट्रोलर्स की पूरी एक हायर है एक पूरा लेवल है डिफरेंट स्टेजेस ऑफ कंट्रोलर्स हैं Uh, जो कि सब आपस में कनेक्टेड हैं ओवर कम्युनिकेशन चैनल्स या कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू फॉर इफेक्टिव कमांड एंड मॉनिटरिंग तो हम इसके थ्रू जो है वो पूरे कम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल का मॉनिटर uh, भी कर सकते हैं और उसको कमांड भी कर सकते हैं सो so, ये पूरी हायर आप इस फिगर uh, के अंदर देख सकते हैं सो इस आर्यर आर्की के अंदर हमारे पास स्टार्ट होता है लेवल जीरो से जिसको हम फील्ड लेवल कह रहे हैं तो फील्ड लेवल के अंदर हमारे पास जो प्लांट है जो कि फील्ड के अंदर डिप्लॉयड है इस प्लांट के साथ डिफरेंट सेंसर्स और एक्चुएटर्स जो है वो लगे हुए हैं सो हर सेंसर एक डिफरेंट प्रोसेस वेरिएबल को मैयर कर रहा है और हर एक्चुएटर जो है वो एक डिफरेंट प्रोसेस वेरिएबल को आउटपुट दे रहा है सो फील्ड लेवल के ऊपर जो फर्स्ट लेवल कंट्रोल आता है दैट इज डायरेक्ट कंट्रोल और डायरेक्ट कंट्रोल के लिए हम जो है वो स्मॉलर uh, कंट्रोलर्स uh, को यूज कर रहे हैं जिस तरह की आपने देखा अभी हमने माइक्रो कंट्रोलर की बात की है सो so यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहे हैं फॉर डायरेक्ट कंट्रोल सो डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ प्रोसेस वेरिएबल के हम माइक्रो कंट्रोलर को डिप्लॉय कर रहे हैं मीन्स के प्लांट uh, के uh, हर प्रोसेस वेरिएबल को एक प्लांट के अंदर डिफरेंट प्रोसेस वेरिएबल्स हो सकते हैं फॉर एग्जाम्पल टेम्परेचर फ्लोरेट प्रेशर तो डिफरेंट प्रोसेस हर एक प्रोसेस वेरिएबल के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर हमने एज ए डायरेक्ट कंट्रोल एलिमेंट लगा दिया सो so, इस तरह से ये सीरीज ऑफ माइक्रो कंट्रोलर जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल लेवल के ऊपर डिफरेंट प्रोसेस वेरिएबल्स को इंडिविजुअली कंट्रोल कर रहे हैं सो so, लेवल के ऊपर प्लांट सुपरवाइजरी कंप्यूटर आ जाते हैं uh, जो कि प्लांट सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स जो हैं वो डायरेक्टली माइक्रो कंट्रोलर के साथ कनेक्टेड हैं और माइक्रो कंट्रोलर्स जो हर प्रोसेस वेरिएबल को मॅर कर रहे हैं उसकी सारी फीडबैक या कंट्रोल के जो सारा डाटा है वो सारा सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स को सप्लाई कर रहे हैं सो so, ये प्लांट सुपरवाइजरी जो कंप्यूटर्स हैं ये एक स्पेसिफिक प्लांट के लिए वर्क कर रहे हैं सो डिफरेंट प्लांट्स के अंदर डिफरेंट सुपरवाइजरीपल अगर हम बात करें तो एक प्लांट uh, हो सकता है सो दैट प्लांट कुड भी सम फर्टिलाईजर प्लांट ओके सो डिफरेंट प्लांट्स है जो कि एक ही आप कह लें कि एक ही वर्क uh, एनवायरमेंट के अंदर डिफरेंट जगहों पे इंस्टॉल्ड है सो इस तरह से इन डिफरेंट प्लांट्स के अंदर इंडिविजुअली सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स होंगे जो कि हर प्रोसेस वेरिएबल का डाटा उनके माइक्रो कंट्रोलर से ले रहे हैं और एक आप कह कि रिपोर्ट कंपाइल कर रहे हैं कि सुपरवाइज कर रहे हैं कि उस प्लांट के सारे प्रोसेस जो हैं वो कैसे चल रहे हैं सो so, उस प्लांट के सारे प्रोसेस की डिटेल्स कंट्रोल की डिटेल्स जो है वो माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स के अंदर आ रही है सो देन लेवल थ्री के ऊपर प्रोडक्शन कंट्रोल आ जाते हैं तो प्रोडक्शन कंट्रोल के अंदर जो डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं आ, उनको हम कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर कह सकते हैं सो so ये कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स जो हैं ये डिफरेंट प्लांट्स के दरमियान कोऑर्डिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं दे आर टेकिंग डाटा फ्रॉम सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स और उनकी बेस के ऊपर ये आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल हम बात करें तो एक कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर जो है वो ओवरऑल पावर प्लांट से सारा डाटा ले रहा है और इसी तरह से अनदर कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर एक और प्लांट के अंदर लगा हुआ है जो कि लेट्स से फर्टिलाइजर प्लांट है तो इस पूरे प्लांट से जो सा uh, ले रहा है प्रोडक्शन का इसी तरह से फॉर एग्जांपल एक और प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर हो सकता है दैट प्लांट मे बी फॉर केमिकल डेवलपमेंट प्लांट सो एक वो स्पेसिफिक केमिकल के लिए है तो अब इनकी कोऑर्डिनेशन सारे प्रोडक्शन की कोऑर्डिनेशन अपनी जरूरत जरूरी है प्रोडक्शन कंट्रोल के लिए फॉर एग्जाम्पल के जो केमिकल प्लांट है वो एक ऐसा केमिकल जनरेट कर डेवलप कर रही है, उसकी प्रोडक्शन कर रहा है जो कि फर्टिलाइजर प्लांट के अंदर यूज होना है सो so, अब फर्टिलाइजर प्लांट के अंदर कितनी रिक्वायरमेंट है उस केमिकल की उसके हिसाब से केमिकल प्लांट के अंदर वो उस प्लांट को जो केमिकल की जो प्रोडक्शन है उसको कंट्रोल किया जाएगा सो so, ये कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स बेसिकली इन चीजों को देख रहे होंगे कोऑर्डिनेशन uh, परफॉर्म कर रहे होंगे बिटवीन वेरियस प्लांट्स और फिर लेवल फोर के ऊपर हमारे पास प्रोडक्शन शेड्यूलिंग आ जाएगी जो कि एक कंप्यूटर सेंटर के थ्रू हो रही है जैसा कि आपने सेंट्रल कंट्रोल यूनिट पहले देखा है तो एक सेंट्रल कंट्रोल यूनिट या कंप्यूटर सेंटर के थ्रू जो है वो uh, सारी फीडबैक भी आ रही है ठीक है आप देख रहे हैं कि ये बोथ वेज कम्युनिकेशन है ओके okay? सो इन कम्युनिकेशन जो है वो कॉर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स की तरफ जा भी रही है और डाटा उनकी तरफ से आ भी रहा है तो कंप्यूटर सेंटर के अंदर जो है वो सारे कॉर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स जो है वो कंप्लीट प्लांट्स का डाटा एक जगह के ऊपर जो है सा डिप्लॉय करते जा रहे हैं सो so एक जगह कंप्यूटर सेंटर के ऊपर अब हर प्लांट की जो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन हमें नजर आ रही है कि वहां पे जो प्रोडक्शन है वो किस तरह से चल रही है और कैसे कंट्रोल हो रही है सो ओवरऑल प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग जो है वो फिर कंप्यूटर सेंटर के थ्रू की जाएगी कि फॉर एग्जांपल अगर इस मंथ में ये प्रोडक्शन शेड्यूलिंग जो सा वो ओवर द मंथ्स ओवर द वीक्स या ओवर द ईयर भी हो सकती है कि इस मंथ में लेट्स से ओवरऑल प्रोडक्शन जो है वो आउटपुट की हमें ये रखनी है तो उसके हिसाब से कंप्यूटर सेंटर से जो है वो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन की शेड्यूलिंग जाएगी कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स को और कोऑर्डिनेटिंग कंप्यूटर्स के थ्रू वो डाटा सुपरवाइजरी कंप्यूटर्स के ऊपर जाएगा और सुपरवाइजरिंग कंप्यूटर्स के थ्रू फिर वो डाटा जो है वो माइक्रो कंट्रोल पे जाएगा जिसमें वो माइक्रो कंट्रोल के थ्रू सेट पॉइंट वेरिएबल्स को चेंज कर सकते हैं ताकि प्लांट की जो प्रोडक्शन है आ, या इसका जो कंट्रोल है उसको रिक्वायर्ड लेवल के ऊपर कंट्रोल किया जाए सो ये एक कंप्लीट जो वो ऑफ कंट्रोल है इन एज अ डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम सो किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो है वो आ, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम के थ्रू जो है वो हम वेरियस लेवल ऑफ कंट्रोलर्स को यूज कर सकते हैं फॉर एनी कंप्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल सो बेस्ड ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम डीसीएस हमारे पास कंप्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल स्कीम्स में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है स्काडा का सो स्काशन अब स्का बेसिकली हम रिमोट मोनिटरिंग और कंट्रोल कर सकते हैं बिटवीन वेरियस मल्टीपल साइट्स और एट लार्ज डिस्टेंसेस, फॉर एग्जांपल एक ही कंपनी के जो है वो डिफरेंट साइट्स हैं डिफरेंट सिटीज के अंदर हम कह सकते हैं कि डिफरेंट साइट्स लगी हुई है जहाँ पे डिफरेंट लेवल की प्रोडक्शन चल रही है डिफरेंट प्लांट्स के ऊपर तो उन सब को आपस में कम्युनिकेट करने के लिए हम जो है वो कोडिड uh, सिग्नल के ऊपर कम्युनिकेशन जो है वो चैनल्स को यूज करते हुए लार्ज स्केल प्रोसेसेस को कंट्रोल कर सकते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल एक साइड जो है वो सिर्फ आ, एक इंडस्ट्रियल साइट जो है वो फॉर फर्टिलाइजर डेवलपमेंट है फिर एक साइड पे एक इंडस्ट्रियल जो साइट है वो बेसिकली जो सा वो प्रोडक्शन ऑफ केमिकल के लिए है तो इन मल्टीपल और आपस में ये सारी प्रोडक्शन जो है वो आ, सारी इंटर रिलेटेड है तो इन दैट केस इस रिमोट मॉनिटरिंग या कंट्रोल के लिए हम स्काडा सिस्टम को यूज करते हैं सो ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम डीसीएस इसकी वजह से थ्रू आप जो है, multiple के जो है वो मल्टीपल साइड के ऊपर जो है वो कंट्रोल देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहें ये एक प्लांट है सो दिस इज सम और इसी से जो प्रोडक्शन आ रही है वो uh, एक डिफरेंट डिस्टेंस uh, uh, के ऊपर जो सा वो एक लार्ज डिस्टेंस के ऊपर एक डिफरेंट प्लांट में जा रही है सेम इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये एक एन अदर साइड ओवर डिफरेंट ओवर हंड्रेड माइल्स के ऊपर भी जो सा ये प्रोडक्शन हो सकती है सो स्का सिस्टम ओवरऑल इस पूरे ऑपरेशन को देख रहा है जहाँ पे आपके पास कम्प्लीटली जो सा वो कम्पलीट uh, इंफॉर्मेशन आ रही है शिफ्ट की कितना आपके पास जो सा शिफ्ट रेट क्या चल रहा है कितनी प्रोडक्शन हो रही है सो so, uh, सारा और प्ला, पर प्लांट uh, आप उसका कंप्लीट स्टेटस भी देख सकते हैं कि करंट लेवल उसका क्या है सो so, स्काडा सिस्टम के थ्रू आप जो सा लार्ज स्केल के ऊपर मल्टीपल साइट के दरम्यान जो है वो आप uh, सारे प्रोसेस uh, को मॉनिटर भी कर सकते हैं और वहां से उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं सो so, uh, ये बेसिकली डीसीएस एंड स्क आर दी दैक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल स्कीम्स जो कि डिफरेंट कंप्लेक्स लेवल के ऊपर uh, इंडस्ट्री uh, के अंदर प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए यूज हो रही होती है सो ये डीसीएस और स्काडा सिस्टम्स हाई लेवल कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्रियल कंट्रोल स्कीम्स हैं जिसके थ्रू आप बड़ा इफेक्टिवली कंट्रोल uh, को जो सा वो स्मॉलर लेवल से लेकर लार्जर लेवल तक हायर लेवल तक आप बड़ा इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकते हैं डिफरेंट uh, प्रोसेस को uh, और एक कंट्रोल uh, और ये ऑटोमेशन की एक बड़ी अच्छी एग्जाम्पल है सो कंप्लीट ऑटोमेशन भी है सिस्टम की और इस कंप्लीट ऑटोमेशन के थ्रू जोसा है वो आप आ, देख रहे हैं कि हाई लेवल ऑफ प्रोसेस कंट्रोल किस तरह से जो सा वो किया जाता है इंडस्ट्री में